हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंसहोलिक। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष और आज का टॉपिक है जनरल रिलेटिविटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आइंस्टाइन ने पहली बार अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था 1905 में, तब उसे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया गया और लोगों को ये लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो एक वर्किंग साइंटिस्ट भी नहीं है, ये तो बस एक क्लर्क या फिर कुछ है, उन्हें बस यही पता था। तो फिर इसकी हिम्मत कैसे हो रही है कि ये चैलेंज कर दे एक ग्रेट साइंटिस्ट को, जो कि आइजैक न्यूटन है, जिनकी थ्योरीज 100 सालों से सही प्रूफ होती आ रही हैं। ऑल्दो आइंस्टाइन वाज नोन टू हैव अ वेरी विविड इमेजिनेशन एंड ही इज क्वाइट फेमस फॉर हिज थॉट एक्सपेरिमेंट। और एक दिन इस लेजेंड ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जब ये अपने पेटेंट ऑफिस में बैठे हुए थे, और इनका ये थॉट एक्सपेरिमेंट पूरे साइंटिफिक हिस्ट्री को चेंज करने वाला था, पूरे साइंटिफिक कोर्स को चेंज करने वाला था। तो इनके थॉट एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन्होंने ऑब्जर्व किया एक विंडो वॉशर को जो खिड़की की सफाई कर रहा था, और उनका थॉट एक्सपेरिमेंट था कि अगर वो सीढ़ी से फिसल के गिर जाता है तो आखिर क्या होगा। हम सोचेंगे हड्डी वड्डी टूट जाएगी बस, पर इन्होंने सोचा, इन्होंने विंडो वॉशर के प्रस्पेक्टिव से सोचा कि अगर वो फॉल करेंगे, ग्रेविटी एकमात्र फोर्स होगी जो उन्हें 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सेलरेशन देगी ग्राउंड की तरफ। और अगर क्या हो अगर ग्राउंड उनकी तरफ कोई अपवर्ड फोर्स ना लगाए, यानी कि वो ग्राउंड को कभी मीट ही ना करे, तो बिना विंड रेजिस्टेंस के ये एक फ्री फॉल होगा और अब वो बिल्कुल वेटलेस फील करेंगे, जैसा कि स्पेस में होता है एक फ्री फॉल के टाइम। यानी कि वो स्पेस में फ्री फॉल कर रहे हैं उस टाइम अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो अब ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दो अलग जरिया हैं सेम चीज़ को समझाने के लिए। और अब आइंस्टाइन ग्रेविटी और एक्सेलरेशन के इस टर्म को अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जोड़ के देख रहे हैं। उन्होंने अब इमेजिन किया कि वो एक रूम में है जहाँ की कोई विंडो नहीं है, और वहाँ पे एक वेटिंग मशीन रखी हुई है। तो अगर वो अपना वेट वहाँ पे करते हैं, जो कि अर्थ में कहीं भी करें, तो वेट सेम ही आएगा। अब उनका इमेजिनेशन है कि वो सेम रूम एक स्पेसशिप के अंदर है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन कर रहा है। तो ये सेम जो अर्थ का ग्रेविटेशन होता है, जिस जो एक्सेलरेशन होता है, ये सेम है। तो अगर वो अर्थ में हो या उस रॉकेट वाले स्पेसशिप वाले रूम में हो, उन्हें कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा अपने वेट में। तो अगर उन्हें कोई बताएगा नहीं कि भाई साहब आप एक स्पेसशिप में हो, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो अर्थ में थे या फिर स्पेसशिप में थे, क्योंकि स्पेसशिप में जो स्पेसशिप है उसका ग्राउंड उनको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से पुश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अर्थ में क्या होता है, हमारा बॉडी पुश करता है ग्राउंड को, तो कोई डिफरेंस उनको महसूस नहीं होगा क्योंकि फोर्स इक्वल है, इसे लॉ ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। उन्होंने इमेजिन किया क्या होगा अगर वो एक फ्लैश लाइट या फिर लेज़र बीम को रूम के एक साइड में खड़े होकर दूसरे साइड में पॉइंट करें। यहाँ पर रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर उनके पास कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उससे अगर मेजर करें, तो लाइट का एक पाथ बनेगा ए टू बी, यानी कि जो उनके हाथ में टॉर्च है वहाँ से लेकर उस वॉल के एंड तक, जहाँ से लाइट की ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में उसका एंड थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि जो रॉकेट है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट कर रहा है, और वो अगर और एक्सेलरेट करेगा तो लाइट की बीम और नीचे होती जाएगी, क्योंकि जो फ्लोर है उस रूम का वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है, और जो लाइट है वो तो स्टेशनरी हो जा रही है ना, तो वो थोड़ा सा नीचे होगी ही होगी। पर अगर ये सेम चीज़ हम लोग अर्थ में करें, तो हमें ये एक कॉमन सेंस की बात है, लाइट स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी, पर अगर सच में ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस वायलेट हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्पेसशिप वाला जो रूम है उसका जो फोर्स है एक्सेलरेशन का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही है। तो वहाँ पे लाइट अगर स्लाइटली बेंड हो रही है तो अर्थ में भी होनी ही चाहिए। पर ये कैसे हो सकता है, लाइट बेंड कैसे हो सकता है, क्योंकि लाइट तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है ट्रैवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। पर क्या हो अगर अर्थ में शॉर्टेस्ट पाथ एक कर्व पाथ ही हो। आप सोच के देखो, अर्थ में हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करते हैं, वो अल्टीमेटली एक कर्व पाथ ही होता है। तो अर्थ में अगर लाइट को ट्रैवल करना है तो उसके कर्वेचर को होके उसे एक कर्व पाथ ही लेना पड़ेगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लाइट को कर्व कर रही है, एक कर्व फॉर्म दे रही है। और हो सकता है कि जो ग्रेविटी है
वो स्पेस में भी एक कर्वेचर फॉर्म कर रही हो, और यहाँ पर भी लाइट को अगर ट्रैवल करना है तो वो एक कर्व पाथ ही लेना पड़ेगा, वहाँ भी शॉर्टेस्ट पाथ कर्व ही है। तो स्पेस में अगर कहीं भी मास और एनर्जी है तो वहाँ पे अगर लाइट ट्रैवल करेगी तो वो एक कर्व पाथ पे ही ट्रैवल करेगी, वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी। जहाँ पे मास एनर्जी यानी कि ग्रेविटी के टर्म में हम लोग बोल रहे हैं मास और एनर्जी है, और यहाँ पे स्पेस कर्व हो रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। पर इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन को बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, और ये इसे नहीं कर पाए, उन्हें एक हेल्प लेनी पड़ी एक अपने मैथमेटिशियन दोस्त की, का नाम मार्कल ग्रॉसमैन था। वो एक स्विस मैथमेटिशियन थे और उन्होंने अभी अभी अपनी PhD कंप्लीट की थी कर्व स्पेसेस के ऊपर, ज्योमेट्री ऑफ कर्व स्पेसेस। अब आइंस्टाइन ने उनकी मदद से कर्व स्पेसेस के मैथमेटिक्स को समझा। अब जहाँ कि न्यूटन ने कहा था टाइम और स्पेस फिक्स है और ग्रेविटी एक फोर्स है जो उन पर एक्ट कर रही है, अब आइंस्टाइन की थ्योरी में जो ग्रेविटी है वो स्पेस और मैटर के इमर्जेंस में इंट्रैक्शन में इमर्ज होती है। ग्रेविटी जहाँ स्पेस रहेगा मैटर रहेगा वहाँ पे ग्रेविटी इमर्ज होगी और वो स्पेस को कर्व कर देगी भाई। आगे जॉन रिलर जो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उन्होंने कहा, एक फ्रेज है उनका, स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव, मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व। अब प्लैनेट्स और उनके ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता था एक मिस्टीरियस फोर्स बोल के, नहीं क्योंकि न्यूटन के टाइम में क्या एक मिस्टीरियस फोर्स है ग्रेविटी जिसके कारण ये सब हो रहा है, नहीं, अब ये इंट्रैक्शन है, मास स्पेस दोनों का इंट्रैक्शन है जिसके कारण ये ऑर्बिट्स फॉर्म हो रही है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग स्पेस टाइम कर्व का ये ट्रैम्पोलिन वाला जो ये देखते हैं ये बस एक 2D फिगर है विजुअलाइजेशन के लिए, असल में ये फिगर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। ये जो ग्राफिक है इसमें आप देख सकते हो कि ये 3D वे में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये 2D वे में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ट्रैम्पोलिन मॉडल है ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब यहाँ एक चैलेंज है कि अगर इस थ्योरी को प्रूव करना है दुनिया के सामने, इसे सीरियसली ले लोग, तो यहाँ पे एक हमें प्रेडिक्शन करना पड़ेगा जो कि एक फिनोमिनन को मैच हो जाए, एक नेचुरल फिनोमिनन। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, हमें सबूत देना ही पड़ेगा। यू नो थ्योरी नीड्स एविडेंस टू प्रूव, एंड दिस टेस्ट केम इन द फॉर्म ऑफ मरकरी। जो मरकरी का ऑर्बिट है वो एक मिस्ट्री बना हुआ था कई दशकों से, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट था अनयूजुअल था हमारे लिए। जितने भी प्लैनेट है वो सन को ऑर्बिट करते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के फॉर्म में, मरकरी का भी ऑर्बिट इलिप्स था पर ये कुछ वियर्ड करता था, इसे हम लोग प्रिसेशन कहते हैं। ये जो फिगर शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे इसे ही प्रिसेशन कहते हैं। होता क्या था, जब भी मरकरी सन के पास से गुजरता था तो उसका जो इलिप्स है, जो उसका इलिप्स का वो जो फारेस्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता था, तो ऐसा लगता था कि मरकरी तो ऑर्बिट कर ही रहा है पर इसका इलिप्स भी ऑर्बिट कर रहा है पूरे सन को, जो कि एक बहुत ही वियर्ड चीज़ था, ऐसा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं करता था। उनके इक्वेशन को यूज़ करते हुए कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाया इस मिस्ट्री को, पर जब आइंस्टाइन ने अपनी नई कर्व स्पेस थ्योरी को इसमें लगाया तो वो एग्जैक्ट मैच हो गया और उसे एक प्रिडिक्शन मिला, और ये प्रिडिक्शन सही निकला, और फाइनली एक थ्योरी अप्लाई हुई एक ऑब्जर्वेशन पे जो कि दशकों से एक मिस्ट्री बनी आ रही थी। अब हम लोग समझ सकते थे कि हमारे इर्द गिर्द स्पेस काम कैसे करता है, हमारे पास एक थ्योरी थी, और आइंस्टाइन उस वक्त एक लौता आदमी था जो कि जानता था कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। पर इसके ठीक 4 साल बाद इस थ्योरी का एक फुल प्रूफ कन्फर्मेशन मिला, जब एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर आर्थर एडिंगटन ने कुछ फोटोग्राफ्स ली 1919 में। ये जो फोटोग्राफ्स थी ये एक टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान ली गई, और यहाँ पे स्टार के लोकेशन को मेज़र किया गया, तो अगर आइंस्टाइन करेक्ट है तो वहाँ पे सन मौजूद है स्टार और हमारे बीच में, तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो स्पेस में जो कर्वेचर बना है उसके कारण लाइट बेंड होगी, और जो स्टार का पोजीशन होगा वो आम दिनों के हिसाब से कुछ अलग होगा। तो जब रात को फिर से हमने फोटोग्राफ्स ली और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि वो जो स्टार का पोजीशन है वो चेंज हुआ था उस वक्त, और ये थ्योरी से बिल्कुल मैच हुआ, उन्होंने जैसा कहा था लाइट वैसे ही बेंड किया, और लोगों को ये समझ आया कि चीज़ें स्पेस में आखिर काम कैसे करती है।
और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जहाँ पे वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए, उन्हें बहुत ही हाई फेम मिल चुका था। पर अब रुकिए, हम लोग स्पेस कर्वेचर तो समझ गए, पर ये स्पेस टाइम कर्वेचर क्या है? ग्रेविटी के कारण स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है, ये तो हम लोग समझ गए कर्वेचर होता है, पर स्पेस टाइम आखिर है क्या? टाइम कैसे रिलेटेड है? और यहीं पे आती है आइंस्टाइन की फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। इस थ्योरी में जो प्रिजम्पशन है कि लाइट जो है सेम स्पीड में ट्रैवल करती है, भले ही वो उसका प्रोस्पेक्टिव कुछ भी हो, यानी कि अगर मैं एक कार में हूँ और एक फ्लैशलाइट जला रहा हूँ, तो उस कार में जो फ्लैशलाइट जल रही है उसका जो स्पीड होगा वो सेम होगा एक स्टेशनरी जो आदमी जो कार से बाहर है वो एक फ्लैशलाइट जला रहा है, तो स्पीड हमेशा लाइट का सेम ही रहेगा, यानी कि लाइट का कोई रेफरेंस फ्रेम नहीं होता है। और अगर ऐसा है तो लाइट की स्पीड एम्प्टी स्पेस में और प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी में भी सेम ही रहेगी। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी में स्पेस कर्व हो जाता है, तो लाइट को एक कर्व सरफेस से गुजरना पड़ता है, एक कर्वेचर लेना पड़ता है, और एम्प्टी स्पेस में क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाता है। तो जो लाइट का पाथ है ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में और एम्प्टी स्पेस में, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। देन द कर्व विल बी डेफिनेटली लॉन्गर देन द स्ट्रेट वन। एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर दोनों लाइट बीम्स को सेम स्पीड मेंटेन रखनी है, तो जो टाइम होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में स्लो पास करेगा। यानी कि स्पीड को मेंटेन रखना है तो डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्वियसली, तो टाइम को स्लो होना पड़ेगा, टाइम की क्वांटिटी को कम होना पड़ेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि जहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा होगा, यानी कि कर्वेचर ऑफ स्पेस और ज़्यादा कर्व होगा, टाइम और ज़्यादा स्लो पास करेगा वहाँ पर। ये एक नेचुरल फेनोमेना है जिसे हम लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं वहाँ पे टाइम फास्ट पास करता है, इसलिए हमें उन सैटेलाइट्स के टाइमिंग को हमेशा सेट करते रहना पड़ता है, नहीं तो हमारे कार के जो GPS वगैरह जो काम कर रहे हैं वो काम सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अर्थ का टाइम और वो जो स्पेस में जो टाइम चल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अर्थ में टाइम थोड़ा स्लो है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। इसी पे बेस्ड कई सारी मूवीज़ है जहाँ पे स्पेस टाइम को दिखाया गया है। इंटरस्टेलर इन्हीं में से एक मूवीज़ का नाम है, जिसमें क्या होता है कुछ क्रू मेंबर्स होते हैं, जो जिनमें दो क्रू मेंबर स्पेस में रुकते हैं और दो को जाना पड़ता है एक प्लैनेट पे। तो वो जो प्लैनेट होता है एक वाटरी प्लैनेट होता है, तो वहाँ पे इनका कुछ बिताया हुआ कुछ घंटा उनके लिए सालों हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे मान लो ये आधा घंटा रुके तो वहाँ पे 10 साल बीत गए, ऐसा कुछ था इस मूवी में, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। तो मूवी काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी थ्रिलिंग थी। जाके इस मूवी को देखो, देख चुके हो तो कमेंट करो, वीडियो कैसी लगी बताओ, अच्छा बुरा जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं तो वो बताओ कमेंट्स में, कमेंट्स आपके लिए खुला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो, और ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।